नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। बीजेपी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई पार्टी नेतृत्व की बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी के लिए अधिकतम जीत प्रतिशत सुनिश्चित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक नेतृत्व ने मंत्रियों से फीडबैक भी लिया और उनके बहुमूल्य सुझाव भी दिए। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। बीजेपी नेतृत्व का स्पष्ट कहना है कि किसी भी सांसद, विधायक और मंत्री को अपने परिजनों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के लिए एक झटका है, जिनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की नई वर्तमान मेयर है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लखनऊ में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी नर्मदा पाठक को मैदान में उतारना चाहते हैं। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने अधिकार क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार और राज्य सरकार के किए गए कार्यों से मतदाता को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा प्रभारी मंत्रियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजेपी स्थानीय निकाय चुनावों में अधिक से अधिक सीटें जीती। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जितने योग्य उम्मीदवारों को टिकट सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों की होती है। प्रभारी ये भी सुनिश्चित करे कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो असंतुष्ट ना हो और उन्हें पार्टी की जीत के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए। वहीं मंत्रियों को निर्देशित किया गया कि उनके पास न केवल उन जिलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है जिनके वो प्रभारी हैं, बल्कि उनके मूल जिलों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी 17 नगर निगमों सहित सभी 762 शहरी स्थानीय निकायों में जीत हासिल करे। बीजेपी नेतृत्व का स्पष्ट कहना है कि किसी भी सांसद, विधायक और मंत्री को अपने परिजनों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इस एक ऐलान ने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल ये फरमान उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के लिए एक बड़ा झटका साबित है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेयर पद के लिए उनकी पत्नी उम्मीदवार हो। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लखनऊ में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी नर्मदा पाठक को मैदान में उतारना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे यानी कि सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।